हेलो दोस्तों, वेलकम बैक मेरे एक और नया ब्लॉग वीडियो पर। आज चलिए हम आप लोगों के लिए बहुत ही सुंदर ब्लॉग वीडियो लाया हूं, जो कि आज बढ़ौरा नाथ से संबंधित है, जो सीधी जिले का बहुत ही ऐतिहासिक शंकर जी का मंदिर है। उसे बढ़ौरा नाथ मंदिर भी नाम से जाना जाता है। चलिए आज हम लोग आप लोगों के लिए ऑटो के थ्रू जा रहे हैं। देखिएगा यहाँ दोस्तों, सावन के मौसम में यहाँ रोड में ही एकदम एक पैर भी रखने की जगह नहीं होती है। देखिएगा ये गेट आ गया है। अभी यहाँ से मुश्किल से 1-1.5 किलोमीटर दूर और होगा। ये देखिए यहाँ चारों तरफ एकदम क्या बोलते हैं, खेती बाड़ी करने लायक ज़मीन है, क्योंकि पहाड़ी एरिया तो है ये है फ्रेंड। ये देखिएगा यहाँ पर बहुत सारा मेला लगा रहता है। ये देखिए खेत भी है, टाटा भी है, बाड़ी भी लगी हुई है। अपना पचे वीडियो का अगर अपना पचे नए आए हैं तो लाइक करी, कमेंट करी और चैनल का सब्सक्राइब जरूर करिए, शेयर कर दी थोड़ा का। तो चलिए आज हम आप लोगों को सीधी के बहुत ही ऐतिहासिक शिव जी का मंदिर बढ़ौरा नाथ मंदिर आप लोगों को दिखलाता हूँ। यह रीवा से 50-55 किलोमीटर दूर होगा फ्रेंड। ये रीवा सीधी महोनिया टनल होते हुए हम लोग चौराहट पहुँचेंगे। चौराहट के आगे बढ़ौरा नाथ है, बढ़ौरा गांव है, वहीं से इसका बढ़ौरा नाथ मंदिर नाम पड़ गया था। ये देखिएगा ये ऑटो अब आप लोग की आगे बढ़ रही है। ऑटो बढ़ते हुए आप लोग देखिएगा, ये देखिएगा इसमें ये नाला भी बना हुआ है। नाला यहाँ वाले लोग नदी भी बोलते हैं फ्रेंड। ये देखिएगा यहाँ तो अभी बहुत ही अच्छा था, तो हम लोग सोचे कि आप लोगों के लिए एकदम बहुत ही अच्छा ब्लॉग वीडियो लाए। देखिए दुकानें लगी हुई हैं, सजी हुई हैं, जिनको प्रसाद और साद लेना है वो प्रसाद और साद भी ले सकते हैं। ये देखिएगा चलिए आगे बढ़ते हुए अपना पचे वीडियो पर बने रहबे, लाइक करब, कमेंट करब, चैनल का सब्सक्राइब जरूर करी। ये देखिए हम लोग ऑटो से उतरे हुए और मेरे भाई लोग भी, और ये महाराज बैठे हुए हैं। ये चलिए देखिए आ गया है बढ़ौरा नाथ का मंदिर, जिसका हम लोगों का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार था, मेरे देखने वाले लोगों के लिए। ये देखिएगा यहाँ नल वाल भी लगा हुआ है। अपना पचे पूरा एंजॉय करी शंकर जी की भक्ति में। आप भी आना चाहे तो आ सकते हैं, बहुत ही ऐतिहासिक स्थल है यहाँ पर। और वीडियो पर बने रहा, वीडियो एक बार फिर देखा। ये देखिएगा अब हम लोग जाने वाले हैं। ये पुजारी जी बैठे हुए हैं। जय श्री राम। यह हनुमान जी का मंदिर है। ये पीपल का पेड़, बहुत ही बड़ा पीपल का पेड़ है, जो कि अभी तो शायद काटा गया है इसलिए कम है, नहीं बहुत ही बहुत बड़ा था। ये हनुमान जी हैं हमारे। ये चलिए देखिए आशीर्वाद लेता हुआ मैं खुद। तो वीडियो को एक बार जल्दी जल्दी लाइक करिए, शेयर करिए। रीवा सीधी वाले आहन तो लाइक कमेंट जरूर शेयर कर भाई। तो ये देखिए अब आगे बढ़ते हुए हम लोग, ये यहाँ भीड़ तो 24 घंटे मतलब 12 महीने बनी रहती है, पर जब सावन का महीना है उसमें बात ही अलग है। देखिएगा सीता माता का बैठाए गए हैं, गौरी जी हैं। और ये आगे बढ़ते हुए मेन मंदिर के रोड आते हुए हम लोग, ये एकदम घंटा उंटा लगा हुआ है। और ये रहे हमारे बढ़ौरा नाथ महादेव जी। ये देखिएगा एकदम सभी लोग पूजा अर्चना करते हुए यहाँ यहाँ के एक एक फ्लोर से। और ये देखिए बहुत ही भव्य मंदिर बना हुआ है, बहुत ही अच्छा मंदिर है। तो यह सीधी से कम 40 किलोमीटर पड़ता है फ्रेंड, और रीवा से 50-55 किलोमीटर। और ये देखिए नंदी बाबा बैठे हुए हैं, ब्रह्मा विष्णु सभी देवी देवता यहाँ पर विराजे हुए हैं, लोकल वाले हैं। ये देखिएगा ये हम लोग घूमते हुए बहुत अच्छे से। आप लोग वीडियो देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल का सब्सक्राइब जरूर कर दे भाई। एक बे अपना पास कमेंट में जरूर करी।
के वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है? अच्छा लगा, जय हो महादेव। ये है महाराज शंकर जी जो कि बढ़ावरा नाथ जी हैं। चलिए तो अपना पचे वीडियो को एंजॉय करा, एक बार वीडियो अपना पचे पूरा जरूर देखा। चलिए अब हम लोग चलते हैं बाहर की तरफ। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हुए हैं, आप लोग वीडियो को देखते रहिए और एंजॉय कर रहे हो तो लाइक कमेंट करिएगा। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप लोग कहाँ कहाँ से, किस जिले से देख रहे हैं, किस स्थान से मेरा वीडियो को देखा जा रहा है, जिससे मुझे भी कुछ आइडिया मिल सके। ये देखिएगा कुछ और नेचुरल व्यू। यहाँ पर जब भक्तों की भीड़ लगती है तो ये रेलिंग बनी हुई है, इन्हीं रेलिंगों के थ्रू फ्रेंड्स पब्लिक जाती दर्शन के लिए। देखिए यहाँ शादी भी हो रही है, ये देखिएगा शादी भी हो रही है, यहाँ शादी उदी भी होती है। चले, ये देखिए दोस्तों यहाँ पर शादी विवाह भी होता है, कथा का आयोजन भी यहीं होता है। ये देखिए एक बार और आप लोगों को फ्रंट व्यू से मंदिर बहुत ही आकर्षण और बहुत ही दर्शनीय नज़र आता है। ये देखिए हनुमान जी का भी मंदिर बना हुआ है यहाँ पर फ्रेंड, और आप लोगों जैसा देख ही सकते हैं यहाँ पर एक विवाह का आयोजन संपन्न हो रहा है। तो आप लोगों को ये मेरा ब्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगा हो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अपना और अपने परिवार वाले के और अपने अच्छे से ख्याल रखा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पर।